हेलो गाइस, आई एम धनंजय सिंह धनराज एंड टॉपिक इज सिंथेसिस। कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली टॉपिक इज नाउन क्लास। नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मेनली हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के थ्रू कंबाइन करते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस ये होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स के रूल से उन्हें कंबाइन करना है तो या उन्हें नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास के थ्रू कंबाइन करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नाउन क्लास। नाउन क्लास में जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शन के रूप में उपयोग करते हैं वो होता है डैट एंड व्हाट। डैट मीन्स कि, डैट मीन्स यह कि, एंड व्हाट मीन्स जो। स्टेटमेंट होता है जब कोई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में कोई भी हम मेरिट डीमेरिट देते हैं तो वहाँ पर स्टेटमेंट कहलाता है। कोई इवेंट का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो स्टेटमेंट। रिमाइंड इट मीन्स पुनरावृत्ति। जब पिछली घटनाओं को पुनः हम क्या करते हैं, याद करते हैं तो होता है रिमाइंड। नाउ यू आर ए ग्रेट लीडर, तुम एक महान नेता हो। इट इज नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तुम एक महान नेता हो अर्थात यू के बारे में यहाँ पे एक ग्रेट लीडर, एक यहाँ पे विशेषता दी जा रही है, एक टाइटल दिया जा रहा है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी विशेषता दी जाए तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट है तो श्योरली हमें डैट का प्रयोग करना है। तो जो भी मेन स्टेटमेंट होता है उसी के साथ हम डैट का प्रयोग करते हैं। इट इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जाता है अर्थात सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, यू आर ए ग्रेट लीडर। इसका तात्पर्य है मेन क्लॉज यही है, प्रिंसिपल क्लॉज यही, ये तो हम सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डैट को जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी के साथ एड कर देते हैं। लिख सकते हैं डैट यू आर ए ग्रेट लीडर कम, इट इज नोन टू आर, यह सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं, कि यू आर ए ग्रेट लीडर। तो यू आर ग्रेट लीडर जब लिखा जा चुका, इट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह हो जाएगा इज नोन टू आर। या हम इस सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो हम उसको पूरा लिखेंगे, इट लिखने, इट हटाने की जरूरत नहीं है। इट इज नोन टू आर, और तब जाकर हम यहाँ पे डैट लिख करके प्रिंसिपल क्लॉज को लिखेंगे, that you are a great leader, okay? India is a great cultural country, next sentence, it is true, yes सत्य है, क्या सत्य है, India is a great cultural country, अर्थात India के बारे में यहाँ पे statement दिया जा रहा है। तो statement है तो that का प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं that, क्या that India is a great cultural कंट्री। इट इज ट्रू, यह सत्य है, क्या सत्य है, इंडिया इज ए ग्रेट कल्चरल कंट्री। जब इसको लिख चुके हैं तो इट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज ट्रू। या हम पहले भी लिख सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ट्रू को पहले लिखिए, इट इज ट्रू तब डैट, इट इज ट्रू डैट इंडिया इज ए ग्रेट कल्चरल कंट्री। आई मीन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, टेल मी आई हैड टोल्ड यू ए स्टोरी लास्ट वीक। टेल मी मुझे सुनाओ, क्या सुनाओ, आई हैड टोल्ड यू ए स्टोरी लास्ट वीक, मैंने तुम्हें कल एक कहानी सुनाया था। मुझे सुनाओ, क्या सुनाओ, वही कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनाने की बात कर रहा, कौन कहानी, जो पिछले सप्ताह सुनाया जा चुका, रिमाइंड कर रहा, उस कहानी को रिमाइंड कर रहा। जब रिमाइंड करेगा तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम यहाँ पे ला देंगे और इसको लिखेंगे इस प्रकार से, टेल मी स्टोरी है तो यहाँ पे द स्टोरी लिखा जाएगा, क्योंकि उस स्टोरी को फोर्स कर रहा है और रिमाइंड कर रहा है, इसलिए व्हाट का प्रयोग कर लेंगे। या टेल मी द स्टोरी, मुझे वह कहानी सुनाओ व्हाट, जो, और आगे जो बचा है लिख लीजिए, आई हैड टोल्ड यू लास्ट वीक, ओके। नेक्स्ट, सिंग हियर, यहाँ गाओ, क्या गाओ, यू हैड सन, तुमने गाया था अ सॉन्ग, एक गीत को, स्टारडेमिंस का, तुमने कल एक गीत गाया था। सिंग हियर, यहाँ गाओ, क्या गाओ, गीत को गाओ। इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लाएंगे और यहाँ पर भी देखा जाए उस सॉन्ग को रिपीट किया जा रहा है, रिमाइंड किया जा रहा है, क्योंकि वह स्टरडे गाया गया था और उसे आज गाने की बात कर रहा है, तो रिमाइंड हो रहा है, यहाँ पे व्हाट का प्रयोग होना चाहिए। सिंग हियर
और शाम को जब यहाँ आएंगे तो फोर्सफुली कह रहा है तो द का प्रयोग कर लेंगे, सिंगुलर द सन। अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या है, व्हाट, व्हाट, व्हाट के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। यू हैड सन्ग स्टडी, सिंगुलर द सॉन्ग मीन्स यहाँ वह गीत गाओ जो यू हैड सन्ग स्टडी, तुमने कल क्या किया था, गाया था। सो वॉच दिस लॉन्ग क्लास एंड हैव पेशेंस वाइल वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर अदर वीडियोज।